ध्यान रखना है कि हम जब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं व्हेन वी स्टडी मेडिवल इंडिया या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे रूल करने वाले लोग होंगे द मुस्लिम्स मुस्लिम रूलर्स वो रूल करेंगे या मुस्लिम डायनेस्टीज वो रूल करेंगे और उनकी जो लीनियज है बैकग्राउंड है वो है अरब वर्ल्ड से सेंट्रल एशिया या अरब वर्ल्ड जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ है तो मेडिवल इंडिया में हमेशा से ही सेंट्रल एशिया अरब और इंडिया का कॉन्टैक्ट हमेशा रहेगा तो इसीलिए हमारे लिए वहां पे क्या चल रहा है उनकी पॉलिटी वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक है क्योंकि तो उन सब चीजों का इंपैक्ट हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा ठीक है इसीलिए ऐसे तो जल्दी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एंशियन मेडिवल में पॉलिटिकल क्वेश्चन या इकोनॉमिक क्वेश्चन मेंस में, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस मेन्स और उसके अंदर जो ऑप्शनल्स है ऑप्शनल्स अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पर दिन रिलेशन ऑफ इंडिया विद द अरब वर्ल्ड मेडिवल इंडिया में इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा रहा यह एक एंगल बनता है चाहे वो कैलिफ ऑफ बगदाद हो चाहे बाद में वहां पे ख्वार एम्पायर हो या बाद में फिर वहां पे पर आएंगे वो हो चाहे जो टर्क्स हो वो हो उनके साथ कैसा रिलेशन्स रहा ठीक है तो ये एक एंगल दिमाग में रखना तो जाके आपकी पूरी पॉलिटी आपको समझ में आएगी ठीक है जैसे एनशियट इंडिया में हमने क्या देखा इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा इंडिया मैंटेन करा था किसके साथ साउथ ईस्ट एशिया है चाइनीज़ के साथ भी था अरब्स के साथ भी है ग्रीक्स के साथ रोमन्स के साथ तो बहुत पहले से है ठीक है तो इंडस वैली से लेके किस टाइम पे क्या क्या रिलेशन रहा है ये ध्यान पर रखना जरूरी है ठीक है तो उसी सेंस में मेडिवल टाइम्स में भी हम देखेंगे कि इंडिया का रिलेशन आफ्टर द ऑफ़ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया कि इंडिया का रिलेशन या डेली सल्तनत का रिलेशन उनका इंटरनेशनल रिलेशन कैसा रहा किन किन के साथ रहा ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि के टाइम पीरियड पे व्हेन मंगोल्स या चंगेज खान इज इन सेंट्रल एशिया तो वहां पे जो पर्शियन राजा है शाह ऑफ ख्वारिजम बोलते हैं उसे वो इस इंडस की तरफ भागेगा और अल्तुतमिस से हेल्प मांगेगा बट अल्तुतमिस उसे डॉज कर देगा डिप्लोमेटिकली तो ख्वारिज्मी एम्पायर जो है उससे दिल्ली सल्तनत का रिलेशन खराब हो जाएगा लेकिन ये करके इन तुटमिस्ट ने बहुत बड़ा काम कर दिया था तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं वो ध्यान पे रखना अगर इन केस यू गेट क्वेश्चन रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया या कभी आप इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा रहा है मिडिवल टाइम्स में ये ध्यान रखना ये वाला एंगल कि हाँ इस टाइम पे ये सारे डायनेस्टीज हैं या हैं जिसके साथ इंडिया कनेक्टेड था ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बोथ दॉलिटी दियो पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया या फिर अरब वर्ल्ड या मिडिल ईस्ट इज रिलेटेड टू द इंडियन जियो पॉलिटिक्स अब से क्योंकि वहीं के लोग